नमस्ते दोस्तों, वर्ल्डिस गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। आप लोग सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आज स्वास्थ्य चर्चा के अंदर हम एक दिव्य एक चीज लेके आए हैं आपके सामने, जिस पे अभी किसी ने इतना प्रकाश नहीं डाला। इसका नाम है कुचला। कुचला क्या होता है, पहले हम थोड़ा इसके बारे में आपको एक मिनट समझा देते हैं। कुचला का पेड़ 50-60 फुट ऊंचा होता है और उसके गोल गोल अठन्नी के आकार के फल लगते हैं। ये फल लगते हैं और फलों में जो 4 या 5 बीज निकलते हैं वो अठन्नी के आकार के निकलते हैं। और बाजार में ये बहुत सस्ता है, 20 या 50-40 रुपये किलो। इससे सस्ता तो और क्या होगा, मिट्टी भी नहीं होगी। तो कुचला एक जबरदस्त जहर है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अशुद्ध कुचला जबरदस्त जहर है, कुचले का शुद्धिकरण करना चाहिए। आज मैं बात करूंगा कुचले के चावल की। कुचले के चावल किस तरह तैयार किया जाते हैं और चावल का क्या महत्व है। सबसे पहले मैं आपको कुचले का चावल दिखाता हूं, यदि आपको नजर आ जाता है तो देखिए। ये मैं अपने हाथ में दिखाता हूं आपको, मेरा जहां तक अनुमान है आपको नजर आ गया होगा। यूं मान के चलिए कि आधा इंच से थोड़ा कम चावल जितना ही कुचले का चावल। तो ये कुचले का चावल किस तरह से तैयार किया जाता है, इसकी विधि मैं आपको बताता हूँ। अशुद्ध कुचला जो बाजार से पाव भर ला करके और उसको गौमूत्र के अंदर एक मिट्टी के कुल्हड़ के अंदर आप डाल दीजिए और उसके ऊपर गौमूत्र से उस कुल्हड़ को भर दीजिए, यानी कि कुचला नीचे दबा रह जाए पानी गौमूत्र के नीचे, और कोई कटोरी से या कोई चीज से उसको ढक के रख दीजिए। अगले दिन ऐसे हाथ लगा करके कूलर में से वो गौमूत्र को बाहर निकाल दीजिए और फिर ताजा गौमूत्र उसके अंदर भरिए। उसके अगले दिन भी इसी तरह करना। इस तरह 11 से लेके 12 दिन तक आप करेंगे। उसके बाद उन कुचले के बीजों को जो इतने इतने बड़े हो जाएंगे थोड़े थोड़े फूल के, चाकू से इजीली ऊपर का छिलका हटाइए। छिलका हटने के बाद से अंदर से कुछ भूरापन सफेदी लिए हुए बिल्कुल गोलाकार के अंदर कुचले का बीज छिलका हटा हुआ निकलेगा और उसको बीच में जरा सा चाकू लगाते ही उसके दो पार्ट बन जाएंगे। दो पार्ट बनते ही अंदर एक यूं मान के चलिए एक सूत लंबी जीभ भी, उसको कुतले की जीभ बोलते हैं, ये जीभ वो जीभ भी होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता और वो मतलब कई बीमारियों को पैदा करती है। उस जीभ भी को निकाल के फेंक देना चाहिए और उन सारे कुतलों की जीभ भी निकालने के बाद छिलका पहले हटाइए। छिलका हटाने के बाद दो पीस किए, दो पीस करने के बाद सबकी जीभ भी हटाई। ये भी हटाने के बाद उन कुचलों के टुकड़ों को गाय का दूध उसके अंदर एक बार आप डाल करके और खूब उबालिए। जब वो उबल के तैयार हो जाए आधी घंटा बाद उनको निकाल के थोड़ा सूखने दीजिए 10-15-20 मिनट। उसके बाद गाय का प्योर घी उनके अंदर उन कुतलों को डाल करके और हल्के हल्के कढ़ाई के अंदर हिलाते रहिए ताकि वो जले नहीं। ये जो मैंने अभी आपको चावल दिखाया है ये थोड़ा सा ये मान के चलिए जल गया, इससे इसका रंग कालापन लेके हुआ है ना। तो कालापन बिल्कुल नहीं रंग आना चाहिए, भूरा रंग आ जाए, कभी सिक गए ये घी के अंदर तल गए तो उतार करके घी को अलग करके, उसका अलग महत्व बताऊंगा। उस घी को आप अलग शीशी में भर के रख लें। वो घी किसी के घुटनों में दर्द, किसी के पाँव में दर्द, उनको मसलने से आराम मिलता है, कोई पी न जाए उसको, इस बात का थोड़ा ख्याल रखें।
और वो मसाज के अंदर वो घी काम आ जाएगा, यानी कि घी को फेंकने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद उन टुकड़ों को जो घी में सिके हुए हैं एक सरोता लेकर के, और ये मैंने अभी आपको दिखाया ऐसे चावल के बराबर के, उसके सरोते से चावल बना लीजिए आप, बहुत आसानी से चावल बन जाएंगे। सबके चावल बनने के बाद उनको आप रख लीजिए, वो थोड़ा सूखने लायक हो जाए तो प्लास्टिक की शीशी में, और मैं बस ये कुतले का चावल तैयार है। जितनी फार्मेसियां हैं मार्केट के अंदर वो कुतले के बने हुए कई चीजें बेचती है, लेकिन वो इस तरह शुद्ध नहीं करती। वो सिर्फ अरंडी के तेल में कुतले के बीजों को डाल देते हैं और भून करके जब वो काले हो जाते हैं तो पीस करके उसमें काली मिर्च डाल के और दो दो रुपए की गोली के हिसाब से बेच देते हैं। वो कोई काम नहीं करती, क्योंकि कुचला अशुद्ध रह गया। वो कोई ठीक है, उसके जलने के बाद उसकी तेजी खत्म हो गई कैस्टर ऑयल के अंदर, लेकिन वो लाभ करने लायक बिल्कुल नहीं। तो ये कुचले के चावल, इनका उपयोग मैं आपको पहले बताता हूं। हमारा मुख्य सब्जेक्ट है सेक्स का। जिन लोगों को नपुंसकता है, जिनको शीघ्र पतन की शिकायत है, शीघ्र पतन के लिए ये एक रामबाण औषधि है जो बिल्कुल आपको फोगट के अंदर प्राप्त होती है। शीघ्र पतन के रोगी को एक कुचले का चावल खाना खाने के बाद मुंह में लेकर के वो चूसे, खूब आराम से चूसे, देखिए स्वाद कड़वा होता है। इतना शुद्धिकरण होने के बाद में भी उसका स्वाद कड़वा होता है, उसकी कड़वे स्वाद की परवाह ना करें, एक दो दिन में आपको अभ्यास हो जाएगा। और उसके बाद में दांतों से उसको चबा चबा के और उसको आप खा जाएं। इसी तरह एक तो सुबह खाना खाने के बाद एक चावल, मात्र एक चावल, और एक चावल सेक्स करने के एक घंटा पहले मुंह के अंदर रहे और उसको खाते रहें, चबाते रहें, चूसते रहें, बस इतनी ही डोज होती है कुचले के चावल की। ये क्रम आप एक महीना कर सकते हैं, दो महीना कर सकते हैं, तीन महीना कर सकते हैं, लेकिन रात को दूध पीना आवश्यक है, यानी कि एक टाइम दूध पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुचला दूध मांगता है, गाय का घी मांगता है, तो और तो कोई चीज़ सुलभ नहीं है, दूध इजीली मिल जाता है। तो कुचले का प्रयोग, चावल का प्रयोग करने वाले को गाय का दूध जरूर पीना चाहिए, और वो भी रात को पिए तो और ही आनंद ही आनंद है। तो ये मुख्यतः सेक्स संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, जिनका लिंग ढीला हो गया अथवा शीघ्र पतन हो गया, अथवा जिनका वीर्य स्त्री को देखने मात्र से निकल जाता है, अथवा कई तरह की जो सेक्स संबंधी प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी दो चावल से हल हो जाएगी, कुचले के दो चावल की। और दो चावल की लागत मुश्किल से ही हो, आप मान के चलो कि एक रुपया भी नहीं पड़ती है, इससे सस्ता तो और क्या होगा, लेकिन थोड़ी मेहनत मांगते हैं। और आप इसको स्वयं सिद्ध करने की और शुद्ध करने की कोशिश ना करें, अच्छे किसी वैद्य की देख रेख में आप कुचले के चावल बनवा सकते हैं, ये मैं आपको पहले बोल देता हूं। इसके अलावा डायबिटीज की ये रामबाण दवा है, डायबिटीज के पेशेंट को दिन में तीन चावल चूसने चाहिए, सुबह, दोपहर और रात को, और 12-13 दिन के बाद में उसकी शुगर नॉर्मल आ जाएगी। और नॉर्मल आने के बाद ये नहीं कि कुचला चूसना बंद कर दें, वो लेते रहें, अपनी गोली की मात्रा कम कर दें, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई बेड इफेक्ट नहीं शुद्ध किए हुए कुचले का। एक महीना खा सकते हैं, दो महीना खा सकते हैं, अधिकतर लाभ ये सर्दियों के अंदर ज़्यादा लाभ करता है। गर्मियों के अंदर भी अगर आप सेवन करते हैं तो इसके साथ तरबूज का सेवन और ये अपने अनारदाने का सेवन, इसके अलावा ककड़ी, हरी ककड़ी, ठंडी चीज़ों जो तरल ठंडी शरीर को ठंडक पहुंचाने वाली है, गुलकंद है, आंवले का मुरब्बा है, ये भी जरूर आप ले। ये नहीं कि अंडे खाएं, मीट खाएं, क्योंकि एक तो जो दवा आप खा रहे हैं उसकी तासीर गर्म, दूसरा फिर आपका वीर्य पतला होने से शीघ्र पतन होता है, तो इसका मतलब आपके पेट में गर्मी बढ़ी हुई है।
मूल कारण पे जाना चाहिए। तो पेट की गर्मी को शांत करने के लिए ठंडी वस्तुओं का सेवन करेंगे तो बीमारी अपने आप कोसों भग जाएगी। इसके अलावा कैसा भी पेट में दर्द हो, अपेंडिक्स साइड नहीं होना चाहिए, दो कुचले के चावल चूस लीजिए, जैसे ही अंदर गए 10 मिनट के अंदर पेट का दर्द गायब, अगर नहीं होता तो आप मेरे साथ जूते मारें। मैंने कई रोगियों को देख करके देख लिए, पेट दर्द की रामबाण दवा है। देखिए कोई ट्यूमर है किसी के अथवा किसी के अपेंडिक्स साइड है वो एक अलग बात है, नॉर्मल रूटीन में पेट दर्द होता है, ऐसा नहीं भी होता तो कुतला उसको बिल्कुल दुरुस्त कर देता है। पेट दर्द के अलावा शरीर के अंदर वात व्याधि, जिनके जोड़ों में, घुटनों में, अंगों में, उंगलियों में, गर्दन में, जिनको वात कुपित होता रहता है, उनके लिए भी ये रामबाण दवा है। देखिए इसी कुचले से है होम्योपैथिक में नक्स भूमिका 30 पोटेंसी दवा बनी है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बेड इफेक्ट नहीं, लेकिन वो सेक्स में कोई काम नहीं करेगी, शीघ्र पतन में कोई काम नहीं करेगी, वो सिर्फ पेट के कई सिस्टमों को ठीक करेगी और शरीर के एक तिहाई रोगों को दूर करने की क्षमता है। और सेक्स के लिए तो कुचला आपको इसी तरह जो मैंने बताया है इसी तरह सेवन करना पड़ेगा। मेरा जहां तक ख्याल है पहले वैद्यनाथ कुचले के चावल बनाता था, आप कोशिश करके देखिए। और वैसे मार्केट के अंदर विष तेंदुक वटी के नाम से कुचले का एक प्रिपरेशन बनता है, वो उसको बनाने का वही तरीका है। अगर कुचले को कैस्टर ऑयल में भून करके और काला करके जला करके उसमें कुछ काली मिर्च डाल करके सफ़ेद छोटी छोटी गोली बना देते हैं काली मिर्च जैसी, तो जब कोई चीज़ का साधन ना हो, कोई कुछ चीज़ उपलब्ध नहीं हो, तो बाज़ार से वो बहुत सस्ती आती है, 10-20 रुपए की एक डिब्बी आती है, तो एक आध गोली किसी के पेट में दर्द हो तो उसकी सेवन कर सकते हैं दूध के साथ या जल के साथ। बाकी सेक्स पावर के लिए तो आपको कुतले का चावल ही। इस कुतले में इतने गुण हैं कि देखिए मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अभी खाली कुतले के चावल और नपुंसकता के बारे में ही बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं और कोई चीज़ों पर प्रकाश नहीं डालूंगा। हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, कुचले के साइड इफेक्ट, ये शुद्ध किया हुआ कुचला भी यदि जो मात्रा मैंने बताई है उससे अगर बहुत ज़्यादा खा ली या थोड़ी ज़्यादा खा ली तो हाथों में उंगलियों में ऐंठन आने शुरू हो जाएगी, मुंह में झाग आने शुरू हो जाएंगे, इस तरह की, यानी कि कोई बहुत ही ज़्यादा खा लेगा तो देखो ये एक तरह का विष है, मृत्यु तक भी हो जाती है। और वैसे 1, 2, 3, 4 चावल चूसने के अंदर कोई नुकसान नहीं, 2 महीना, 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना आप चूस सकते हैं, लेकिन जो विधि मैंने कुचले को शुद्ध करने की बताई है उस विधि से अगर आप शुद्ध करवा लें तो कुचले का सेवन करें चावल का, नहीं तो नहीं करें वही बेहतर है। क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक का बहुत ज़बरदस्त रसायन है यूँ मान के चलिए, इसलिए इसका जिक्र तो होना चाहिए, इस बोल करके हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। और कुछ कुचले के चावल वहीं तैयार हो सकते हैं जहाँ गौमूत्र मिल सकता है, और कई लोग इसको और भी तैयार करते हैं, उस वो उनका अलग तरीका होता है, जैसे 10-11 दिन इसको पानी के अंदर भिगोए रखते हैं, छिलका उतारते हैं, ये सब तरीके सेकंड है। फर्स्ट तरीका शुद्धिकरण का जो आयुर्वेद करता है वो मैंने आपको बताया है। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें, नपुंसकता को दूर करें, दो कुचले के चावल रोज चूसें, डायबिटीज को दूर करें और कई बीमारियों से छुटकारा पाएं। इसके अलावा आपकी भूख डबल हो जाएगी, आपका चेहरा लाल सुर्ख हो जाएगा टमाटर की तरह, आपके मित्र कहेंगे कि आजकल क्या ले रहे हो। हाँ देखिए अब इजाज़त चाहते हैं, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।